हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फुल इलास्टिक पैंट की स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो इसकी जो कटिंग है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जिसे मैंने सूट और पैंट दोनों कटिंग एक साथ बताई थी। एक ही वीडियो में मैंने आपको दोनों कटिंग बताई थी, वही ये पैंट है जिसमें कटिंग मैंने बता चुकी हूँ। अगर आपने इसकी कटिंग देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फुल इलास्टिक पैंट की हम स्टिचिंग सीखते हैं। फ्रंट पार्ट है और यह बैक पार्ट है। तो हम पहले बैक पार्ट को साइड कर देंगे और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम पैंट की स्टिचिंग करते हैं, सबसे पहले उसका हम आसन जोड़ते हैं। तो देखिए, आसन जब हम जोड़ते हैं तो इस पर हमें डबल सिलाई लगानी होती है, क्योंकि आसन पे ही सारे पैंट का जोर पड़ता है। तो आसन पे आप एक तो बारीक सिलाई लगाएं और एक डबल सिलाई लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट पे हमने आसन में इस देखिए डबल सिलाई हमने इसमें लगा दी। जो बैक पार्ट है अब उसमें भी हम डबल सिलाई आसन की लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें भी हमने बैक पार्ट में भी देखिए डबल सिलाई हमने लगा दी। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, इसको ऐसे ये देखिए इस तरह खोलेंगे बैक पार्ट को, और फ्रंट पार्ट को इस पर देखिए ऐसे उल्टी तरफ से ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों अंदर साइड सीधी साइड होंगी और ऊपर की तरफ हमारी उल्टी साइड होगी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसकी साइड की जो सिलाई है ये वाली देखिए, ये जो सिलाई है साइड की, इसे हम ऐसे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे साइड की हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई। देखिए इस साइड से हमने सिलाई लगा दी, इस तरफ भी, और देखिए इस साइड भी हमने पूरी यहाँ पे सिलाई लगा दी। नीचे से ऊपर तक हमने पूरी साइड से सिलाई लगा दी। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम जो हमारी बॉटम है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए किस तरह फोल्ड करना है, देखिए आपको मैंने बताया था ना, ये हल्का सा हम तिरछा करते हैं, तो ये इसी वजह से करते हैं कि देखिए हमें फोल्ड करेंगे ना तो ये देखिए तिरछा हमारा आराम से सेट हो जाता। अगर हम ये सीधा काटते तो ये ऐसे हो जाता, इतना कपड़ा कम पड़ जाता। तो अब हमने तिरछा काटने से हमारा ये फ़ायदा होता है, मैंने आपको बताया था स्टिचिंग के समय बताऊँगी, जब कटिंग करते हैं तो हम इसलिए इसको तिरछा काटते हैं कि हम जब बॉटम मोड़ें तो ये हमारा देखिए एक्यूरेट मुड़ जाता है। देखिए बिल्कुल उसके साथ हमारा मुड़ गया। ऐसे हम इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे। तो पहले ऐसे देखिए, जो ये मार्जिन है ना, मार्जिन को बैक साइड में ऐसे रखेंगे, इस तरह हम क्रीज कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए तो पैंट की दोनों बॉटम हम इस तरह फोल्ड कर देंगे और आधा इंच अंदर मोड़ते हुए हम ये बारीक सिलाई लगा देंगे, इससे हमारा बॉटम फिनिशिंग से मुड़ जाएगा। इस तरह से देखिए कितना फिनिश से हमारे बॉटम दोनों मुड़ गए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो ये बीच का जो आसन की सिलाई है उसे लगा लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा किस तरह आपका फिनिशिंग से आसन आएगा। देखो आसन से हमारा आसन जोड़ेंगे इस तरह, पहले ऐसे जोड़ के देख लेंगे हमारा इक्वल आ रहा है, ऐसे इसको देखेंगे इस साइड से, ये देखिए हमारा यहाँ से इक्वल दोनों हमारे, ये देखिए इक्वल आ रहा है। देखिए ऐसा देखिए रखना है आसन को, इसकी एक सिलाई इधर जाएगी और एक सिलाई इसकी इधर जाएगी, और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और बॉटम तक सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे फिर इस बॉटम तक लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉटम आ रहा है। अब बॉटम हमारा 7 इंच का है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको इंच पर रखेंगे और यहाँ पर देखिए 7 इंच में हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम 7 इंच निशान लगा देंगे, और जो हमारा ये मार्जिन है इसको हमने ऐसे मोड़ देना है। ये जो मार्जिन है ना हमारा, जो 1 इंच का मार्जिन बचता है उसको हमने ऐसे फोल्ड कर देना है, इस तरह समोसे की तरह फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो मार्जिन बाहर की तरफ नहीं लटकेगा, अगर हम सीधी सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन हमारा बाहर दिखता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह देखिए मैंने इसको यहाँ से देखिए फोल्ड कर, अब देखिए बाहर की तरफ हमारे कितने फिनिशिंग से आया, और जो मार्जिन हमारा देखिए अंदर छुप गया। जो हमारा आसन का दूसरी साइड है इसको भी हमने ऐसे ही ऐसे, अब इसको वैसे पलटेंगे और आसन से इधर से सिलाई लगाते हैं, बॉटम इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे।
देखिए फ्रेंड कितना अच्छे से हमारा ये बॉटम मुड़ गया, और देखिए तो फिनिशिंग से हमारा बॉटम मुड़ा है, जो मार्जिन भी देखिए हमारा यहाँ से आगे से दिखाई भी नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें अब जो ऊपर है इलास्टिक लगाना है। तो फ्रेंड्स आप पूछते हैं कि जो ये ऐसा तिकोना सा बन जाता है, इसका हम कैसे इलास्टिक लगाएं, तो मैं आपको आज दूसरे तरह से बता रही हूँ। एक तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे फोल्ड करते जाना, इलास्टिक लगाते जाना और इलास्टिक खींचते जाना और सिलाई लगाते जाना है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिसमें आपको आसानी से आपका मुनीफाई बन जाएगा और उसमें इलास्टिक भी बड़े आसानी से लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो तिकोना है उसको मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कैसे इसको आराम से फोल्ड करेंगे और कितनी फिनिशिंग से फोल्ड होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा हमने नीफे का निशान लगाया था ना, वहाँ से हमने इसको ऐसा करके देखिए ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह ऐसे फोल्ड करेंगे। और देखिए आधा इंच हमने इसको ऐसे अंदर करेंगे, यहाँ से इसको करते हुए मैं जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हम अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से फिनिशिंग ली जाएगी। सिलाई लगाते हैं फिर आपको बताती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स साइड का तो हमने देखिए हमने ये मोड़ लिया, ये देखिए इतना आराम से हमारा नेफा मुड़ गया। अब जैसे बैक साइड आएगी ना तो आपको जहाँ पे दिक्कत आती है, तो यहीं मैं आपको बताती हूँ किस तरह हम इसको फिनिशिंग ला सकते हैं। तो देखिए हमने ऐसे ही रखना है जैसे हमने फ्रंट में रखा था, ये देखिए इस तरह से हमने रखना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करते हुए जहाँ भी हमें लगता है कि ये तिरछा जा रहा है तो वहाँ हम हल्की सी इसे चुन्नट देंगे। देखिए एक हम चुन्नट यहाँ से पहले स्टार्टिंग में दे देते हैं, ये देखिए इस तरह से आपने हल्की सी देखना ऐसे करके आपने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर हल्की सी चुन्नट देनी है आपने और इस पर मशीन चला देनी है। ये देखिए इस तरह मशीन चला दी, अब आगे आए हम, ये देखिए इसको हमने मार्जिन वही रखना है, मार्जिन का अंतर नहीं करना। जैसे हम 2 इंच का मार्जिन हमसे मोड़ते आए हैं, अंदर आधा इंच का ही मार्जिन रखना, बढ़ाना नहीं है। इसको ऐसे रखते जाएंगे और एक एक हम इस पर जैसे इस तरह का चुन्नट दे देंगे जिससे ये फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये आगे पीछे भी नहीं मुड़ेगा और या तो कम ज़्यादा भी नहीं होगा और तिरछा भी नहीं जाएगा। तो जब ये तिरछी जगह देखिए, ये तिरछा है ना यहाँ पे, तो आपने एक चुन्नट यहाँ डालना है और एक चुन्नट यहाँ डालना है, ऐसे ही एक चुन्नट आपने इधर डालना है और एक चुन्नट इधर डालना है। बस हल्का हल्का चुन्नट डालेंगे तो आपको देखो फिनिशिंग आ जाएगी। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, ये देखिए मार्जिन में आधा इंच मोड़ना है और एक चुन्नट हम ऐसे लेके इसको देखिए ऐसे लेके इसे फोल्ड कर देंगे, इस चुन्नट को ऐसे ऊपर हमारा मार्जिन वही रहेगा लेकिन हम चुन्नट एक डाल देंगे जिससे कि इसमें खिंचाव भी नहीं आएगा और तिरछापन भी नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिर्फ 2 चुन्नट डाले, एक चुन्नट हमने ये डाला और एक चुन्नट ये देखिए, और एक चुन्नट यहाँ डाला और एक चुन्नट हमने यहाँ डाला है, हमने कुल 4 चुन्नट डाले हैं। देखिए हमारा तिकोना कितना अच्छे से हमारा ये फिनिशिंग से हमारा देखिए ये फोल्ड हो गया, देखिए कितने हमारे फिनिशिंग से फोल्ड हुआ है। अब हम जो लास्ट हम आए हैं इस जगह हमने 1 इंच की जगह हमने छोड़ देनी है, इलास्टिक डालने के लिए हमने 1 इंच की जगह छोड़ देनी है, इस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पर पक्का कर देंगे सिलाई नहीं लगाएंगे। अब मशीन को बाहर निकाल लेंगे, देखिए फ्रेंड कितने फिनिशिंग से हमारा देखिए नेफा हमारा मुड़ गया। देखिए हमारा ये तिकोना देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया, इस तरह आप 2 चुन्नट इधर डालेंगे और 2 चुन्नट इधर डालेंगे दोनों साइड से, इस तरह आपका फिनिशिंग आपका भी नेफा मुड़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इलास्टिक डालने के लिए 1 इंच जगह हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है, यहीं से हम इलास्टिक को पास करेंगे। तो इलास्टिक असल से फ्रेंड्स जितनी हमारी कमर होती है उसमें से 4 इंच को हम लेस कर देते हैं, कमर है हमारे 38 इंच तो उसमें 4 लेस किया तो हो जाएगा हमारा 34 इंच। तो देखिए ये डबल हमारा 17 इंच है, ये देखिए 17 इंच है हमारा यहाँ डबल में, 17 × 34 ये हमारा पूरा राउंड में इस तरह हमारा ये 34 इंच हमारा इलास्टिक है। तो अभी इसको इस नेफे के अंदर हम डालेंगे, तो देखिए कैसे डालेंगे, इस तरह से आप एक पिन ले लीजिए, ये देखिए फ्रेंड इस तरह आपने पिन ले ली है, इसमें से ऐसे इसमें पास कर दीजिए, ये देखिए हमने इसमें डाल दिया ऐसे। अब देखिए हमने इसको ऐसे डाल के सीधा अपने डाला है, इसमें आपको ये इलास्टिक ना घूमना नहीं चाहिए, बस अपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए इस तरह से आप इसमें डालेंगे और आगे पास करते जाएंगे, ये देखिए ऐसे आगे पास करते जाएंगे, इलास्टिक सीधे से जाएगा, देखिए इस तरह से सारे इलास्टिक को आपने इसमें नेफे के अंदर डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इलास्टिक इसको निकाल लिया, ये निकाल दें, अब इसका पिन को निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है अपना कि आपका इलास्टिक मुड़े ना, तो सबसे पहले इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए देख लेंगे हमारा देखिए सीधा इलास्टिक। अब देखिए इस जो इलास्टिक है एक के ऊपर एक चढ़ाकर आधा इंच चढ़ा देंगे, ऐसे चढ़ाकर इस पर 4-5 सिलाई लगा इसे पक्का करेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखिए किस तरह इसे पक्का कर लिया, अच्छे से हमने 8-10 सिलाई लगा पक्का कर लिया। अब इसको देखिए हम ऐसा करके अंदर डालेंगे इसके इस प्लास्टिक को ऐसे, और ज़्यादा से पहले खींच लेंगे। अब अंदर डाल के देखिए जो हमारी सिलाई 1 इंच की छोड़ी थी ना हमने, इसको पक्का कर लेंगे पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने ऐसे करके चारों तरफ देखिए ऐसे करना है जिससे कि एक सारा हमारे जितने हमारे है ना चुन्नट एक तरह से पड़ जाएँ, हर तरफ से हमने इसको ऐसे खींच के
सारे चुन्नट हमने एक बराबर करने हैं, ऐसे ऐसे दो तीन बार आप करेंगे तो आपके सारे चुन्नट एक जैसे हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो ये हमारा जो इलास्टिक है इस पर हम बीच में सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक ऐसे खींचते जाएंगे इस तरह, और बीच में हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर इसे बीच में सिलाई लगाएंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, दोनों तरफ से खींचना है हमने और सिलाई लगाते जाना। देखिए फ्रेंड कितना इलास्टिक हमारा, देखिए अच्छे से हमारा इलास्टिक लग गया, देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा इलास्टिक लगा है। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स कितना फिनिशिंग हमारा ये पैंट तैयार हुआ, ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा देखिए फ्रंट साइड है। तो देखिए इतना ये देखिए इस तरह हमारा ये उठा हुआ आता है, ये देखिए बैक साइड हमारा इस तरह उठा हुआ था, फ्रंट साइड हमारा नीचे होता है, देखिए दो से ढाई इंच हमारा देखिए उठ के आता है ऐसे, तो इससे हमारा बैठने में कोई परेशानी नहीं होती और हमें लूज़ रहता है, कम्फर्ट रहता है, क्योंकि हैवी साइज़ पैंट है तो इसमें हमें देखिए बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी, हम यानी भी नहीं लगाएंगे तब भी हमें बहुत कम्फर्ट रहेगी ये। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।